बता सकूं कि मैं टंगाइल क्यों जा रहा हूं, क्योंकि एक मेरा यूट्यूबर लेडी है वो फिर 2 किलोमीटर आगे गया, फिर घूम के आया। मेरे को आइडिया नहीं था वो उबेर कैसे बुक करना है। ठीक है, ये ड्राइवर भी अच्छा है। ये लगा है 210। बांग्लादेश का जो ट्रैफिक का काम है ये थोड़ा सा गड़बड़ भरा है। टैम 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 लगा हुआ है पूरा। कम से कम 6.5 से लेकर 10 तक, यानी कि 80 किलोमीटर आने में 350 लगेंगे, लेकिन आपका बहुत किराया कम है। फल वाले से मैंने पूछा तो बोला इधर आओ, हिंदी सुन के। यहाँ के बाद बहुत झमेला हुआ है। आपका नाम सर? श्याम। फेसबुक का पेज बनाया ना, ये बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन आंसर भी करना चाहिए ना, देखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। मेरे को अभी टंगाइल पहुंचने के लिए निकलना था, तो मैंने 4:30 बजे का अलार्म दिया था। यहाँ के पंगा ये हो रहा है कि मेरे को जो बस लेनी है टंगाइल के लिए, यहाँ से जो मोहकाली बस स्टेशन है वो कुछ दूरी पे है, और सुबह सुबह में सिर्फ CNG मिल रहा है। अभी 5:58 AM हुआ है शायद, मेरे को लगता है थोड़ा देर में रुक जाऊँ। ये जो प्राइस है वो हाफ हो जाएगी, हाफ, क्योंकि CNG से थोड़ा मेरा बजट बढ़ने वाला है। तो देखता हूँ मैं टंगाइल, और आपको बता सकूँ कि मैं टंगाइल क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि एक मेरा यूट्यूबर लेडी है, यूट्यूबर लेडी के साथ एक हादसा हुआ है जो आपको देखने को मिलेगा आगे जाके, क्योंकि ये हिंदी नहीं बोल पाती है, ये सिर्फ बंगाली में बात करती है। टंगाइल के बीच रास्ते में जितना भी अपडेट होगा मैं आपके लिए रिकवर करता जाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा एडवेंचरस ट्रिप होने वाला है मेरा, क्योंकि आगे जाके वो मिल भी पाएगी क्या नहीं ये मेरे को नहीं पता है। फिर भी मैं जा रहा हूँ अभी, एक 10-15 मिनट का वेट करके। जैसे 6 बजेंगे यहाँ का लोकल टाइम, अभी 6:04 ही है, मैं उबर से ही जाऊँगा। और इस तरह मैंने उबेर बुक किया यहाँ से, अभी अंधेरा तो छट गया है, अभी मेरे को मोहकाली स्टेशन पहुंचना है यहाँ से टंगाइल के लिए। जो उबेर मैंने बुक किया है, उबेर का जो पोजीशन अभी दिखा रहा है, उबेर का पोजीशन अभी 950 मीटर दिखा रहा है। अभी 2 मिनट में ये पहुंच रहा है, कहाँ से पहुंच रहा है पता नहीं, इस एंगल से वो पहुंचेगा, ये शायद मेरे पीछे ही है, 2 मिनट लगने वाले। उसको LA 290215 ऐसा नंबर है। तो जो बांग्लादेश का उबेर ऐप है कुछ अच्छा नहीं है, 2-4 बार एक ही जगह का मेरे को देना पड़ा है, वो सारा गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ। आप देख सकते, ये कहाँ चला गया, यहाँ से उल्टा आएगा, यहाँ से कितना मिनट का दिखा रहा है, अभी वो उल्टा पुल्टा हो रहा है। ये ले वो फिर 2 किलोमीटर आगे गया, फिर घूम के आया, ऐसा कुछ चल रहा है उसका। टंकी के बाजू से आएगा शायद अभी। उबेर इतना बुरा ऐप है कि मैं 3-4 बार कैंसिल कर चुका हूँ, हर बार एक अलग चीज़ बताता है, 1 किलोमीटर बताता है, कभी 2 किलोमीटर बताता है। अभी ये ड्राइवर चेंज हो चुका है, DHM HA 687208 ये हो रहा है अभी। भाई साहब को एड्रेस नहीं मिल रहा था, एड्रेस की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था रोड में सुबह सुबह। मेरे को आइडिया नहीं था वो उबेर कैसे बुक करना है, तो मेरे को बस लेने के लिए जाना था, तो भाई को बहुत घूमना पड़ा, इसके लिए बहुत सॉरी, उसके लिए घूमना पड़ा आपको ज़्यादा। इन भाई साहब ने जो मेरी मदद की है यहाँ आने में, मैंने सेल्फी विल्फी खींच के वो चीज़ को रिस्पेक्ट किया है। बांग्ला पीपल अच्छा है, ठीक है, ये ड्राइवर भी अच्छा है। ओके, सुबह सुबह
टंगाइल जाने का प्रोग्राम फिक्स हो चुका है। अभी मैं अच्छी तरीके से सो पाऊंगा क्योंकि 3 घंटा लगने वाला है इस सफ़र में। मैं देखता हूँ, रात भर मैं सो नहीं सका, हर 2 घंटे में मैं उठता था और मेरा देखता था। मैं यहाँ से चल रहा था टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 जो दिख रहा है, मैं यहीं से पहुँचा था और यहीं से ये बस भी जा रहा है। यहाँ ये ब्रिज था, यहाँ पहली बार उतर के मेरे को बहुत डर लग रहा था, लेकिन इसी एयरपोर्ट से बाहर आके पूरा मेरा सर्वाइव किया। ढाका से जाने वाला फेयर लगा है टंगाइल के लिए, ये लगा है 210 बांग्लादेशी टका। ये कंडक्टर ने मेरे से लिया, कंडक्टर बहुत हेल्पफुल है, उसने मेरा बैग पिक भी वहाँ सारा रखा था साइड में और मेरे को एकदम आलीशान जगह बिठाया। कुछ प्रॉब्लम नहीं है मेरे को अभी। वो टंगाइल में ये भी बोल रहा था कि कौन से होटल में आप जाएगा, वो शायद जाने के बाद कोई कुछ मदद करने वाला है। जो टंगाइल का रास्ता है इसके आधे तक आ गया हूँ मैं, लेकिन बांग्लादेश का जो ट्रैफिक का काम है ये थोड़ा सा गड़बड़ भरा है क्योंकि गांव-गांव में इस टाइप से ये लगे रहते हैं। आप देख सकते हैं पूरा जाम लगा हुआ है, जाम की वजह से जहां आपको 1 घंटा चाहिए वहां 2 घंटे चाहिए। लेकिन लोग जो लोकल वाले हैं बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आप हेल्प मांगेंगे तो वो बिंदास आपको लगे सीए कर देंगे हेल्प। लेकिन आप जहाँ भी जाना चाहते हैं उसके लिए पर्याप्त दूरी अगर आपको तय करनी है तो 1 घंटे की जगह आपको 4 घंटे चाहिए। जैसे मैं निकला था 6 बजे, टाइम हो चुका है शायद 9:15 बजे, यानी कि एक्सपेक्टेड टाइमिंग जो है मेरा अराइवल का 9 या 9:30 होने वाला है। इस तरह से देख लीजिए, सारा चढ़ाने की कोशिश कर रहा है लोगों को और हर एक गांव में आधा घंटा लगता है बाहर निकलने में। कोशिश भरी पड़ी है। ये रहा गांव का हाल, और मेरे लेफ्ट साइड में इतनी बसेस खड़ी है, पूरा जैम लगा है, ब्लॉक। नाम है हर एक गांव आता है तो बस नीचे उतर जाती है और जिस गांव में आवाजाही का अपना साधन रख सकते हैं, पैम 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 लगा हुआ है पूरा। और यहाँ इसके नाम पे कुछ भी नहीं है, ट्रैफिक रूल के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसके नाम से भी कहीं आ सकता है, ना जाने वाले को रोड है ना आने वाले को रोड है। यहाँ आने में रोड तो बहुत अच्छे हैं, अभी 10-15 मिनट का ही सिर्फ रोड बचा है टंगाइल का। अभी उतर के मेरे को पहला टास्क है मेरा होटल ढूंढना है और उसके बाद ही कुछ फ्रेश हो के उससे जल्दी से मिलना है। आधा 1 घंटे के लिए शायद मिलेंगी मेरे को, उसका जो गिफ्ट आर्टिकल है वो सारा निकाल के रखें। अब जो सिटी है उसका रोड देख सकते हैं किस टाइप से रोड एकदम अच्छे है, लेकिन जब गांव आता है तब सारा स्लो हो जाता है इनका। टंगाइल अभी आने में सिर्फ 10-15 मिनट बचे हैं, कम से कम 6:30 से लेकर 10 तक, यानी कि 3.5 घंटा लगा है 80 किलोमीटर आने में। इससे ही पता चलेगा आपको ये कैसा मांझ रहा है।
अच्छा भाई निकलता हूँ। अच्छा सा लाया, मेरे को डॉक्टर ने बताया था 350 लगेंगे, लेकिन आपका बहुत किराया कम है। और यहाँ से सिलेट के लिए बस मिलेगा, कल मिलेगा सिलेट के लिए? और मैं टंगाइल में तो आ चुका हूँ, शायद इसी रोड पे आगे जाके मेरे को वो मिलने वाला है होटल प्रिंस। होटल प्रिंस ढूंढने का मेरे को 450 मीटर पे ही है वो, देखना पड़ेगा अभी, क्योंकि कोई छीना छपटी ना हो इसलिए कैमरा रखना पड़ेगा। और ये कि जब फल वाले से मैंने पूछा तो बोला इधर आओ इधर आओ, हिंदी सुन के, यानी हिंदी हर कोई जानता है यहाँ पे, तो उसने बोला कि 2 मिनट का ही वॉकिंग डिस्टेंस है। ये है टंगाइल सिटी का वाइब, यहाँ भी उतनी ही रिक्शा है, लेकिन ये ई रिक्शा है ज़्यादातर। ई रिक्शा से क्या होता है, यहाँ पर टाइम बचेगा, जितना भी टाइम बचता है। वो पैडल रिक्शा जो ढाका में था तो उतना अच्छा नहीं। और ये रहा हमारा यहाँ आगमन होटल प्रिंस पे, तो अभी देखना पड़ेगा उनको, मैंने जब फ़ोन किया था कल, अभी इंफॉर्मेशन डेस्क से इंफॉर्मेशन लेके चेकिंग करना पड़ेगा। बहुत बहुत झमेला हुआ है, जो लैंग्वेज मेरे को कुछ जानता नहीं, इसलिए यहाँ पे चेकिंग होने पे ही आधा घंटे के बाद जो कुछ मैं जब मैं ये इस बिल्डिंग के नीचे इंफॉर्मेशन डेस्क पे गया था, यहाँ बंगाली जानने वाला ही सिर्फ था, वो हिंदी बिंदी नहीं, इसलिए मेरा फिर 20 मिनट उधर वेस्ट हुआ। तो लिफ्ट से 3 नंबर पे विंग पे आने के बाद ये उनका इंफॉर्मेशन डेस्क है। ये मैंने फ़ोटो इनके फेसबुक पे देखी थी, आपने भी देखी होगी। और आपका नाम सर? श्याम। और वो आंसर क्यों नहीं करता है, या वो ऑनलाइन बुकिंग पे आप क्यों नहीं है? घर पे ज़्यादा ऑनलाइन नहीं होता है ना। हाँ, लेकिन जो अपने फेसबुक का पेज बनाया ना, ये बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन आंसर भी करना चाहिए ना, देखना चाहिए रोज़ कौन मैसेज वेसेज डाल रहा है। नहीं रहता है, आप देखते नहीं, ये रहता है, आप खोल के देख लीजिए। जैसा मैं एक हूँ, और भी रहेंगे शायद, तो महीने के 5-6 लोग रहेंगे। अगर ये लोकल भी है तो कुछ लोग घूमना चाहते हैं, जैसे मैं आया, तो आप ऑनलाइन बैठना चाहिए आपसे, आपको, क्योंकि मेरे को बहुत दिक्कत होता है। अभी से हम लोग सिर्फ देखना है 1 या 2 दिन, जैसे कोई आता है ना यहाँ पे, वो 8 दिन पहले ही कुछ ढूंढ के वहाँ मैसेज कर देता है गूगल से। आप गूगल पे है तो आपको देखना पड़ेगा। मैं जब रहूँगा ना इधर, जाऊँगा तो अच्छा सा रिव्यू दूंगा, तो ये रिव्यू भी देखेंगे लोग, ऐसा रहता है वो ऑनलाइन सिस्टम में। थोड़ा सा आप देखो, थोड़ा सा काम करो उसमें, क्योंकि वो काम का है। और इस तरह मेरा इस रूम में हो गया है चेक इन। तो ये व्लॉग आपको कैसे लगा, लाइक कॉमेंट शेयर ज़रूर करना।